प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। विभिन्न इलाकों में आयोजित इन समारोह में प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टरों ने शिरकत की। देखते हैं विशेष रिपोर्ट। ऊना में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया। 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर विपिन परमार ने तिरंगा फहराकर पुलिस होमगार्ड तथा स्कूली छात्रों के द्वारा पेश की गई मार्च पास्ट व परेड की सलामी ली। सर्वप्रथम मैं 71वें गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज इस शुभ मौके पर मैं आप सभी के खुशहाल जीवन की कामना करता हूं। आज ये गणतंत्र दिवस पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और यहां जिला ऊना के इस मुख्यालय के अंदर ऊना में आज ये गणतंत्र दिवस का आयोजन हो रहा है। मैं यहां पर उपस्थित सभी महानुभावों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं मुबारकबाद प्रेषित करना चाहता हूं। ১৯৪৭ में देश आजाद हुआ और आजादी के बाद हमारे देश का अपना संविधान होना चाहिए। उस संविधान के पैमाने के आधार पर हमारा देश आगे बढ़े तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाया गया। इसलिए आज के इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान जो बनाया गया वो देश के सभी देश के लोगों के लिए, हमारे इस देश का विकास हो, उत्थान के सभी लोगों को सम्मान सुअवसर प्राप्त हो, इसी संविधान में सारी शक्तियां निहित हैं। इसलिए संविधान बनाया गया, आज के दिन इसको लागू किया गया तो ये दिन विशेष रूप से हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में आंका जाता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश 1948 में अस्तित्व में आया और 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य भी। सोलन के ठोडो मैदान में भारी संख्या में गणतंत्र दिवस को देखने शहरवासी जुटे। सोलन के ठोडो मैदान में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर पंचायती राज मंत्री बीरेंद्र कंवर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर बीरेंद्र कंवर ने तिरंगा फहराया और पुलिस होमगार्ड तथा स्कूली छात्राओं के दौरान पेश की गई मार्च पास्ट व परेड की सलामी ली। साईं संजीव इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोलन की पहली टुकड़ी कमांडर रानी वर्मा, सिरमौर जिला के नाहन में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने तिरंगा फहराकर पुलिस होमगार्ड तथा स्कूली छात्रों के द्वारा पेश की गई मार्च पास्ट व परेड की सलामी ली। बचाते रहे, हौसला अफजाई करते रहे। गृह रक्षक पुरुष है 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया और 25 जनवरी 1971 को देश का 18वां पूर्ण राज्य बना। हमारे प्रदेश ने विकास के सभी क्षेत्रों में आशातीत प्रगति की है। इस विकास के दौर में प्रदेश ने प्रशंसनीय प्रयास किए हैं।
प्रदेश ने पहाड़ी राज्यों को विकास की नई दिशा प्रदान करी है चुके हैं। हिमाचल प्रदेश ने लगातार पिछले दो वर्षों में सतत विकास लक्ष्यों की पूर्ति के लिए देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वर्तमान प्रदेश सरकार के गत दो वर्ष प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। इन दो वर्षों में हमने बहुत सारे नए आयाम स्थापित किए हैं। इस अटूट विकास के पथ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को की तरफ से केंद्र सरकार ने जो प्रदेश को सहयोग किया है वो भी अविस्मरणीय है। जिला मुख्यालय के पुलिस मैदान धर्मशाला में जिला स्तरीय 71वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सहकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी भी ली। सबसे गुजारिश रहेगी कि राष्ट्रगीत के लिए मां भारती आगे बढ़ रहे हैं बुलंद हौसलों के साथ। गणतंत्र दिवस पूरे देश में आज पूरे हर्षोल्लास के साथ जो है मनाया गया और कांगड़ा जिला में कार्यक्रम आज यहां पर रखा गया था। बहुत लोगों की सहभागिता जो है इस कार्यक्रम में हुई है। मैं इस दिवस की संपूर्ण कांगड़ा वासियों को प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का जो ये दिवस है ये उन बलिदानी वीरों को भी स्मरण करने का, याद करने का, उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन करने का, अर्पित करने का भी दिवस है। उनको हम याद करें, आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उनको स्मरण रखें। एक परंपरा है, यहाँ आने से पूर्व जो शहीद स्मारक बना है वहाँ पर फूलमालाएँ चढ़ाई जाती हैं। उसके पीछे उद्देश्य यही है, उन वीरों का हम ऋण कभी भी चुका नहीं सकते हैं। आने वाली अनेक पीढ़ियाँ जब तक ये देश है उनका हम ऋण कभी भी नहीं चुका पाएंगे और ये बात हमको सदैव स्मरण रखनी है। साथ ही साथ विकास का सफ़र कितना तय किया और कितना तय करना है इस बात के ऊपर भी विचार जो है आज के दिन होता है, विश्लेषण होता है। तो इस दिवस का महत्व, जहाँ इसका राष्ट्रीय महत्व है वहीं इसका स्थानीय महत्व भी है। साथ ही साथ हमारा जो हमारी जो यहाँ की परंपराएं हैं, हमारी जो अद्भुत छटा बिखेरती जो हमारी संस्कृति है उसके दर्शन भी ऐसे दिवस पर होते हैं। छात्र छात्राओं ने बेहतरीन हमारी यहाँ की जो हमारा जो कल्चर है, नृत्य विधा है, उसका प्रदर्शन किया। हमारी जो संस्कृति है उसकी छटा भी यहाँ पर दिखी। बेहतरीन जो मार्च पास्ट है उसका भी आयोजन यहाँ पर होता है। हर चीज़ के पीछे एक उद्देश्य है। मार्च पास्ट के पीछे उद्देश्य जो है एक अनुशासन की भावना, ना सिर्फ जो हमारी वर्दी वाली जो सेवाएं हैं ना सिर्फ उनमें हो बल्कि एक सामान्य नागरिक में भी हो ये संदेश। काफ़ी संख्या में बच्चे भी यहाँ पर एकत्र थे। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ जो आज के दिन होती है उसका कुछ ना कुछ संदेश जो है वो हम सभी के लिए होता है। हम सभी की जिम्मेदारी इस देश के लिए है, इस समाज के लिए है। हम चाहे किसी भी क्षेत्र में क्यों ना काम करते हों, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र है, चाहे वो कोई स्वास्थ्य का क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र की हम कल्पना करें, समाज के प्रति हम सबकी जिम्मेवारी है। अगर इस प्रदेश की हम प्रगति की बात करें, सरकार का तो ठीक है, उसमें सरकार के ऊपर तो दायित्व है ही है, लेकिन सरकार उस दायित्व के निर्वहन में तब तक पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सकती अगर सभी लोगों का सहयोग जो है सरकार को ना मिले। इसलिए उस सहयोग की भी मैं कामना करता हूं, अपेक्षा करता हूं, प्रार्थना करता हूं और संपूर्ण कांगड़ा वासियों के लिए, संपूर्ण प्रदेश वासियों के लिए मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य जो है बहुत उज्जवल हो, हमारे बच्चों के लिए भविष्य उज्जवल हो, बहुत सी नई शुरुआत जो है हमारी सरकार ने की है। कार्यक्रम में वक्त हो गया ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।